धन्यवाद। तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम। एक व्यक्ति ध्यान भटकाता है, कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अदानी जी आएंगे, जेब काट जाएंगे, और दूसरी तरफ तीसरी साइड अमित शाह जी चुप ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूं। ये इनका सिस्टम है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते, मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे, नहीं राहुल जी, 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा, भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई, तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही?